नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि एक आयताकार प्लॉट जो कि 80 मीटर गुणे 50 मीटर आकार का है को घेराबंद किया जाना है। यदि घेरे के खम्भों को 5 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो ऐसे कितने खंभे आवश्यक होंगे? ठीक है, उसने हमें बताया है कि एक उसका प्लॉट है जो कि आयताकार है। ठीक है, इसका आकार क्या है? आकार में इसकी लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 50 मीटर। ठीक है, तो इतना हमने बना लिया। उसने हमसे कहा कि एक आयताकार प्लॉट, तो हमने एक आयताकार प्लॉट बना लिया जो कि 80 मीटर गुणे 50 मीटर, यानी 80 मीटर उसकी लंबाई हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई? 50 मीटर। तो हमने यहां पर इसकी लंबाई और चौड़ाई लिख ली, ये हमारा प्लॉट हो गया। अब आगे वह कह रहा है को घेराबंद किया जाना है, यानी इस प्लॉट को चारों ओर से घेरा जाना है। यदि घेरे के खम्भों को 5 मीटर की दूरी पर रखा जाए, उसने कहा कि जो खम्भे लगाए जाएंगे वह 5-5 मीटर की दूरी पर लगाए जाएंगे, तो ऐसे कितने खम्भे आवश्यक होंगे हमें यह बताना है। ठीक है, अब जो खम्भे लगेंगे वो बाउंड्री पर लगेंगे। ठीक है, चारों तरफ की बाउंड्री पर खम्भे लगेंगे, तो जो बाउंड्री होती है वह क्या कहलाता है? किसी भी चीज की जो बाउंड्री होती है वो कहलाता है परिमाप। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस आयताकार प्लॉट का परिमाप निकालना पड़ेगा। इसमें लंबाई जो थी वो है 80 मीटर और चौड़ाई है 50 मीटर। ठीक, अब हम आयताकार प्लॉट का परिमाप निकालेंगे। प्लॉट का परिमाप, ठीक है, तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 लंबाई है 80 और चौड़ाई है 50, तो 8 5 13, 2 गुणे 130 हो जाएगा और 130 दूनी 260 मीटर। ठीक है, जो आयताकार प्लाट है इसका परिमाप निकल के आया 260 मीटर, यानी ये बाहर बाहर की जो लंबाई आपको दिख रही है यह 260 मीटर है। अब उसने कहा कि जो घेरे के खम्भों को 5 मीटर की दूरी पर रखा जाए, यानी खम्भे 5-5 मीटर की दूरी पर रखे जाना है, तो खंभों की संख्या बताइए। तो खंभों की संख्या कैसे हम निकालेंगे? खंभों की संख्या बराबर, ऊपर तो जो आयताकार प्लॉट का परिमाप है वह रख देंगे, का परिमाप, और नीचे दो खंभों के बीच की दूरी, खम्भों के बीच की दूरी, यानी जो हमारा इसका परिमाप निकला है उसमें हम दो खम्भों के बीच की दूरी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे खम्भों की संख्या निकल आएगी। अब आयताकार प्लॉट का परिमाप कितना निकला? यह निकला है 260, और दो खम्भों के बीच की दूरी कितनी रखनी है? वह रखनी है 5-5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 25, 1 बचा, 5 2 10, तो टोटल कितने खंभे लगेंगे? यानी 52 खंभे उसमें लगने हैं। ठीक है, तो आयत के सवालों को हमें इसी प्रकार से सॉल्व करना है। पहले प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है उसको समझ के हमें सॉल्व कर देना है, तो बड़े ही आसान तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।